एचआर कॉमर्स गुरुजी पर, और जो हम क्वेश्चन कर रहे थे डीके कोयल सॉल्यूशन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्लास 12th अकाउंट्स, लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 37C तक कर लिया था, और आज की वीडियो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 से, और उस क्वेश्चन को भी करने वाले हैं जो काफी दिनों से बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्वेश्चन नंबर 39। आपकी हेडिंग है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। अगर आपको इसका कंसेप्ट अभी भी समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक अटैच करा है, वहां पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे। ए और बी पार्टनर है, रेशियो 3:2। उन्होंने एडमिट किया सी को पार्टनरशिप में 1/5 शेयर के लिए, और सी ने 40,000 रुपए दिए कैपिटल के लिए, लेकिन गुडविल फर्म की दे रखी 25,000, और वो गुडविल कैश में नहीं ला सका। कैपिटल आया सबसे पहले लाने की एंट्री बैंक अकाउंट DR2 सीज कैपिटल अकाउंट 40,000। उसके बाद फर्म की गुडविल 25,000 है, उसका शेयर है 1/5, तो 25,000 × 1/5 करूंगा तो 5,000 उसे गुडविल के लाने थे, क्योंकि वो ला नहीं पाया। जब भी पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला पाएगा तो हम उसमें करंट अकाउंट के नाम से डाल देते हैं, यानी कि एंट्री क्या होगी, सीज करंट अकाउंट DR, 2A कैपिटल अकाउंट और 2B कैपिटल अकाउंट। आपको 3:2 दे रखा और कुछ भी नहीं दे रखा, यानी कि सैक्रिफाइंग रेशियो भी यही हो जाएगा 3:2। 5,000 को 3:2 में बांट दोगे तो 3,000 आएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अब यहां आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39, बारी बारी समझना। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने एडमिट किया सी को, जिसका शेयर था 1/4। सी ने 1/5 अपने हिस्से का लिया ए से, और बचा कुचा किससे लेगा, वो बी से। अब देखिए, आपको गुडविल निकालनी है सी के एडमिशन की, एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड लास्ट 5 ईयर। देखो, पहली साल प्रॉफिट हुआ 50,000 का, नो दिक्कत। दूसरी साल प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का, जिसमें इंक्लूडिंग गेन 40,000, तो 40,000 क्या हो जाएंगे इसमें माइनस हो जाएंगे, यानी कितने का प्रॉफिट रहेगा, 80,000 का। लॉस दे रखा है 60,000 का, आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 50,000, ये ऐड होगा। लॉस दे रखा है 60,000, 50,000 ऐड होगा, अभी भी 10,000 का क्या रह गया, लॉस रह गया। लॉस है 1,00,000 का आफ्टर चार्जिंग वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1.5 लाख, ये ऐड होगा। ये लॉस 1,00,000 का ये ऐड होगा, तो 50,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और ये प्रॉफिट 1,90,000 का है ही है। तो ये ऐसे करके आएगा आपका, पहली साल का प्रॉफिट 50,000, दूसरी साल का प्रॉफिट 80,000, तीसरी साल का प्रॉफिट 10,000 का लॉस, सॉरी, चौथी साल का 50,000 प्रॉफिट, और पांचवी साल का 1,90,000। आप जब इन सबको प्लस करोगे, इसको माइनस करोगे, इन सबको प्लस करोगे, तो ये आएगा 3,60,000। 3,60,000 पांच साल है, 5 से डिवाइड करेंगे आएगा आपका 72,000। ये क्लियर है, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट है 12%, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट करेंगे तो ये आएगा 6,00,000 आपका एवरेज प्रॉफिट। अब आप निकालोगे नेट एसेट्स। नेट एसेट देखिए, फर्म की एसेट 7,00,000 की है और लाइबिलिटी है 2,20,000, तो आप इसे माइनस करोगे तो आपकी नेट एसेट जो वैल्यू आई वो आई 4,80,000। अब आएगी आपकी गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला जो आपने निकाला था, ये 6,00,000 माइनस 4,80,000, तो आएगा आपका 1,20,000 की गुडविल। 1,20,000 की गुडविल और सी का शेयर था 1/4, तो ये आएगा 30,000 सी का शेयर में गुडविल। ये तो हो गया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल, 30,000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यहां दिक्कत है कि सर न्यू रेशियो एंट्री तो कर लोगे, गुडविल लाया, गुडविल बांटने की एंट्री सैक्रिफाइंग रेशियो में, न्यू रेशियो निकालना। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ए और बी का रेशियो था 3:2, सी का शेयर था 1/4, और सी ने अपने हिस्से का 1/5 लिया है ए से, 1/20, तो बचा कुचा किसने दिया, 4/20 बी ने, तो 1/20 ए में से माइनस करोगे आंसर आएगा 11/20, और 2/5 में से 4/20 माइनस करोगे बी के शेयर में से, तो आंसर आएगा 4/20। सी का शेयर था 1/4, यहां सब में 20/20, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर और 5 का मल्टीप्लाई नीचे, तो न्यू रेशियो क्या आएगा, 11:4:5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखो, पी की वार तीन पार्टनर है, रेशियो 5:3:2, एस को उन्होंने एडमिट किया है और एस 30,000 रुपए कैपिटल के लाया, तो कैपिटल लाने की एंट्री कर लोगे आप, बैंक अकाउंट DR2 एस कैपिटल 30,000 रुपए। एस को 1/5 शेयर प्रॉफिट मिला है, जो कि उसने बराबर लिया है पी क्यू आर से, तो 1/5 × 1/3 करोगे तो 1/15 तीनों में से माइनस। आपको यहाँ सैक्रिफाई रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने तीनों ने बराबर दिया, तो तीनों को बराबर गुडविल मिलेगी। गुडविल जो दे रखी है आपको निकालनी है एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से। आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है 32,000, 38,000, 35,000, 31,000, इन चारों को प्लस करोगे आएगा आपका 1,36,000, डिवाइड करोगे 4 से तो आएगा 34,000। गुडविल निकालनी 3 ईयर बच्चे, 34,000 × 3 करोगे तो आएगा आपका 1,02,000। एस का शेयर था 1/5, तो 1,02,000 का 1/5 करूंगा तो आएगा 20,400, यहाँ आ गया, ओके। गुडविल ऑलरेडी दे रखी है 50,000 की, तो ये 50,000 की गुडविल ओल्ड पार्टनर से ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगी,
50 एंट्री आओगी पी स्कैप्ट अकाउंट डीआर, क्यू स्कैप्ट अकाउंट डीआर, आर कैप्ट अकाउंट डीआर टू गुडविल। 50,000 इंटू 5:3:2 में बटेगा तो 25,000, 15,000 और 10,000 यानी कि ऐसे आए 25,000, 15,000 और 10,000 गुडविल 50,000। ये हमने गुडविल निकाली 20,400 एस की। एंट्री क्या होगी एस करेंट अकाउंट डीआर टू पी की टू क्यू और आर। 20,400 को बराबर बांट देंगे तो 20,400 हर पार्टनर के हिस्से में 6,800 आ जाएंगे। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर। अगली वीडियो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। अगर आपको कोई डाउट हो वीडियो में या कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर देना, जैसा भी हो। थैंक यू सो मच।